बेखौफ चोरों ने बीती रात राजधानी रांची के एक ज्वेलरी दुकान को साफ कर दिया। चोरों ने गैस कटर से पहले शटर को फिर अंदर लगे ग्रिल को काटा। अंदर घुसे चोरों ने कुछ ही देर में पूरी दुकान खाली कर दी और आराम से चलते बने। चोरी की यह सनसनीखेज वारदात रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के काली मंदिर रोड में स्थित न्यू सोनी ज्वेलर्स में हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डोरंडा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस दुकान में और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दुकान के मालिक अमित कुमार वर्मा ने बताया कि सुबह फोन आया कि आपके दुकान का शटर कटा हुआ है। भागे भागे दुकान पहुंचे तो देखा पूरा दुकान खाली था। लगभग 20 से 25 लाख के गहने चोर ले उड़े। उन्होंने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया है। यहां याद दिला दे कि इससे पहले 9 जनवरी की रात ठीक इसी तरह की चोरी हरमू रोड में हुई थी। प्रिया सेल्स नामक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का ग्रिल और शटर काटकर अंदर घुसे चोरों ने लाखों का मोबाइल और अन्य डिवाइस की चोरी कर ली थी। सुने क्या बोले दुकानदार अमित कुमार वर्मा और डोरंडा थानेदार रमेश कुमार। हम लोग का साप्ताहिक बंदी मंगलवार का रहता है। सोमवार को दुकान में बढ़ा के गया है ना, तब सोमवार को दुकान बढ़ाने के बाद कल की बंदी हुई और आज सुबह फोन आया हमको कि आपका शटर कटा हुआ है ना। आया मैंने तो देखा कि सामने वाला शटर को वो अब गैस कटर से वो कट किया हुआ था। उसके बाद आपका ग्रिल जो था वो ग्रिल भी पूरा कट था और आगे का शीशा पूरा टूटा हुआ था, जो कि वो शीशा आप देख रहे हैं टूटा हुआ है ना। और देखने के बाद अंदर में मेरे ये डिस्प्ले में सब लगा हुआ था, ये सब के पूरा चोरी हो गया। काली मंदिर रोड में न्यू सोनी ज्वेलर्स के सोने की दुकान है, उसी में रात में उसका शटर काट करके चोरी होने की सूचना है। उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी फैक्ट मैंने साक्ष्य हम लोग के समक्ष आ रहा है उसका सत्यापन किया जा रहा है। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।